हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जिहड़ा आपां लैक्चर है तुहाडा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दा, उहदे विच आपां ना नैक्सट टॉपिक है जिहड़ा तुहाडे मॉडल्स बारे डिस्कस करांगे। उहदे विचों ना जिहड़ा तुहाडे इंपॉर्टेंट मॉडल है वह हैगा वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, मतलब जिहड़े तीन मॉडल तुसीं करने, एक इटरेटिव, एक करना गा तुसीं प्रोटोटाइप, एक करना वाटरफॉल। तो पहला आप अज वाटरफॉल बारे डिस्कस करांगे। जिहड़ा वाटरफॉल मॉडल है बेटा, द नेम वाटरफॉल हैज़ बीन बोरवर्ड फ्रॉम द कॉन्सैप्ट दैट फ्लो ऑफ वाटर इज डाउनवर्ड फ्रॉम द हैल। जिमें बेटा पहाड़ी तो कोई पानी, ठीक है, नीचे दि गिरदा, उस तरह ही जिहड़ा मतलब कि इस मॉडल का नाम आ जिहड़ा वाटरफॉल पिया। ठीक है, मतलब पहाड़ी तो पानी है जिहड़ा नीचे नूं आ रहा। इट इज़ ईजीएसट, अर्लीएसट एंड सिंपलेस्ट प्रोसैस। कहिंदे ये बहुत ही सौखी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जिहड़ी हुण यूज़ की जाती है तो सिंपल प्रोसैस मॉडल है। इंट्रोड्यूस किया सी इहने किनूं? विंस्टोन रोइस ने 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬੋਲਦੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ ਰਿਫਾਈਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਦ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਫੇਸ ਆਫ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਚ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀ ਇਟਸ ਓਨ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਵਲੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸਲੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟਿਡਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਥਰੂ ਦਾ ਫੇਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। As the flow of the control is top down in waterfall model, therefore one development stage should be completed. ठीक है, तो ये भी चीज़ चीज़ कही गई है भी आप जो देखिए भी मतलब कि ये कहा गया जो वाटरफॉल मॉडल है ये टॉप डाउन अप्रोच है क्योंकि यह टॉप टू डाउन वर्क कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द ईच फेस आ रिव्यू टास्क प्लेस टू डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट इज़ ऑन द राइट पाथ एंड वैदर आर नॉट टू कंटिन्यू और डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट। भी कुछ पास से आप इस प्रोडक्ट में मतलब कि रिव्यू तो बाद भी देखते हैं भी कोई प्रोडक्ट अपना सही चलूगा या नहीं, जो चलूगा तो उन्होंने कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज की कर देंगे, उन्होंने डिस्कार्ड कर देंगे। नैक्सट आ गया बेटा अपने को वाटरफॉल मॉडल है, जो दो तरह के होंगे ने, एक ओरिजिनल वाटरफॉल मॉडल होंगे, एक मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल होंगे। ठीक है, जो ओरिजिनल वाटरफॉल मॉडल होंगे बेटा, ये की होंगे, इन दिस मॉडल कहते फॉलो फ्लो ऑफ द फेसिस इज इन वन डायरेक्शनल। ये की होंगे, ओरिजिनल सिर्फ एक डायरेक्शन के ही काम करता। ठीक है, इट इज़ प्रेफर्ड फॉर दैट सॉफ्टवेयर विच इज़ नॉट सपोज टू चेंज विद टाइम। ये सॉफ्टवेयर ये सपोज करता भी ये प्रेफर किया जाता भी ये टाइम के अकॉर्डिंग यह चेंज है जो नहीं होंगे, ये ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहता। ठीक है, द फाइंडिंग ऑफ वन फेस आर फिड टू सबसीक्वेंट टू नैक्सट फेस। जो फाइंडिंग जो एक फेस के मतलब कोई फाइंडिंग्स हो सकती हैं तो नैक्सट के भी जाएगियाँ। तो इट इज़ प्रेफर्ड फॉर सोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, मतलब कि यह साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जिमें कि एग्जाम्पल दी है, कहते कंसाइडर द केस ऑफ एनी मैथमेटिकल मॉडल से इंस्टीन। इंस्टीन है ना जिहड़ा मास एनर्जी, इंस्टीन एक राइटर का नाम है बेटा। ठीक है, इन्हें कि मास एनर्जी के रिलेशन में दिखाया हुआ जिहदे विच की है मतलब कि है एम ते सी दा स्क्वायर। दिस फॉर्मूलेट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला चेंज हो, मतलब कि मैथ के फॉर्मूले कभी भी जेडे चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिक्सड रिक्वायरमेंट, एक फिक्सड रिक्वायरमेंट है। सेम वे ऑल द मैथमेटिकल एप्लीकेशन आर डिवेलप्ड अंडर द गाइड ऑफ दिस मॉडल। तो आप कह सकते हैं भी मैथमैट दारिया एप्लीकेशन इस मॉडल की गाइडलाइनस के अकॉर्डिंग ही डिवेलप होंगे ने। जिमें ओरिजिनल वाटरफॉल मॉडल के पहला रिक्वायरमेंट्स, फिर डिजाइन, फिर इंप्लीमेंट अ यूनिट टैसटिंग करते हैं, फिर इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टैसटिंग करते, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगे आ गया मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल, जोड़ा पहला आप ओरिजिनल पढ़े हूँ मॉडिफाइड की गल करते हैं। केंद्र द रिवाइज वाटरफॉल मॉडल प्रोवाइड फॉर वैलीडेशन ऑफ द फेस आउटपुट इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकल। जोड़ा रिवाइज वाटरफॉल मॉडल होंगे भी जोड़ा दुबारे बनया। ठीक है, ये वैलीडेशन हर एक फेस की लिमिट होंगी है, वैलिडिटी होंगी आउटपुट की सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल। दिस अप्रोच मॉडिफाई द स्ट्रिक्टली सीक्वेंस अप्रोच प्रिसाइड बाय द क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल एंड एडवांस एंड इनक्रीमेंटल डिवेलपमेंट।
स्ट्रैटजी, मतलब ये जी अप्रोच है, मतलब जो भी ये सीकेंस वाइज आप कोई भी लाइफ साइकिल चलाने हैं, जो कोई इनक्रीमेंट करते हैं, कोई डिवेलपमेंट करते हैं बेटा, उन्होंने आप कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इनकारपोरेट अ स्टैप बाई स्टैप डिवेलपमेंट स्ट्रैटजी फॉर द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एंड द सिस्टम आर्किटेक्चर एज वेल एज फेस वाइज वैलिडेशन हेल्प टू बैटर मैनेज द इफेक्ट ऑफ द पुअर डिसीजन टू मेक द सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसैस मोर कंट्रोलेबल। बेटा जी आप कोई भी डिवेलपमेंट सहायता के नाल करते हैं, मतलब इकट्ठे मिल के किसी चीज़ को करते हैं, तो वो जरा मतलब कि जो पुअर डिसीजन अपने वधिया मैनेज करने अपनी सहायता जी हो जाती तो ज़्यादा कंट्रोलेबल होंगी। जिमें मॉडिफाई वाटरफॉल आ, मतलब रिपीट हो ही जाती है। जेकर ये कोई प्रॉब्लम है, जिमें रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर मतलब प्रॉब्लम होगी आप दोबारा रिक्वायरमेंट जा सकते हैं। जिमें इंप्लीमेंटेशन वाले प्रॉब्लम है, दोबारा आप सॉफ्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन भी चेक कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन के भी चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो मॉडल है ये रिपीटेबल होंगे। तो डिफरेंट फेसिस ऑफ द वाटर जो फॉल लाइफ साइकिल मॉडल है, ये अलग अलग फीसिस है। पहला आप सिस्टम फीसिबिलिटी बारे पढ़ते हैं। कहते जो सॉफ्टवेयर है इज अवे ऑलवेज पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम, बड़े सिस्टम का पार्ट होंगे बेटा। तो अपने को आ जाता ये की होंगे गा भी जो अपने को हमेशा व्डा पार्ट रहा है। वर्क बिगेन बाय इस्टैबलिशिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल सिस्टम एलीमेंट एंड दैन एलोकेटिंग सम सबसेट ऑफ दीज रिक्वायरमेंट टू द सॉफ्टवेयर। मतलब कि है ये जो काम शुरू करते हैं तो सारे सिस्टम आप मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के बंट लेने, तो उस अकॉर्डिंग आप उन्होंने मतलब वर्क है जरा मतलब दे दें। दिस सिस्टम व्यू इज एसेंशियल वैन सॉफ्टवेयर मस्ट इंटरफेस विद अदर एलीमेंट। ये उदो जरूरी होंगे जो मतलब आप दूजे एलीमेंट्स के नाल इंटरफेस क्रिएट करना, जिमें हार्डवेयर के नाल, पीपल्स के नाल, अदर सोर्सिस के नाल। द सिस्टम इज़ द बेसिक एंड वेरी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सटेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एनी एंटिटी। मतलब किसी भी एंटिटी के जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नैक्सट जिम्मे क्लास प्लान दिखती हुई है, वंस द आइडल सिस्टम इज इंजीनियर और टर्न, जो तो मतलब एक सिस्टम बन जाता तो कहते डिवेलपमेंट टीम स्टडी द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर द सिस्टम। तो डिवेलपमेंट टीम है वो उपर जो मैं थे सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो उपर स्टडी करना शुरू कर देंगे। इस तो बाद आ गया बेटा अपने को रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट प्लैनिंग। कहते जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है इज द प्रोसैस ऑफ इस्टैबलिशिंग वाटर सर्विस आर रिक्वायर्ड एंड द कंस्ट्रेंट टू ऑन द सिस्टम ऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट। किस टाइप की मतलब प्रोसैस में अपन स्थापित करने किस टाइप की मतलब स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। पहले उस चीज़ उपर चैक किया जाता है किस टाइप के अपन कि टाइम लगू उस ऑपरेशन को कंप्लीट होते। तो दिस इज़ आलसो नोन एज फीसीबिलिटी स्टडी, इन फीसीबिलिटी स्टडी भी कह सकते हैं। इन दिस फेज द डिवेलपमेंट टीम विजिट द कस्टमर एंड स्टडी देयर सिस्टम। जेडे जी डिवेलपमेंट टीम होंगी है कस्टमरस का स्टडी देखते हैं सिस्टम की, तो दे इनवैसटीगेट द नीड फॉर पॉसिबल सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन इन द गिवन सिस्टम, भी कि सॉफ्टवेयर मतलब ऑटोमेशन अपन रिक्वायरमेंट दे सकता कि नहीं दे सकता। बाय द एंड ऑफ द फीसिबिलिटी स्टडी द टीम फरनिशेज अ डॉक्यूमेंट द होल्ड अ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेशन फॉर द कैंडिडेट सिस्टम। कैंडिडेट सिस्टम के लिए कि चीज़ों की जरूरत है उन्होंने एक मतलब कि रिटर्न के वो नोट कर लेंदी है। इट आलसो इनकलूड द परसनल असाइनमेंट, जिमें कॉस्ट प्रोजेक्ट का शड्यूल तो कि लगेगा, टारगेट डेट्स वगैरह की ने, यह सारी चीज़ें ये वेरीफाई है जीडिया किए जाने। तो लास्ट लाइन के देखो बेटा, एसेंशियल परपज ऑफ दिस फेज इज़ टू फाइंड द नीड एंड द डिफाइन द प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉल्वड। ये यह परपज़ होंगे भी इस फेज का भी किस टाइप की प्रॉब्लम है, भी उन्होंने सॉल्व किमें करना, आप क्यों जरूरत उन्होंने सॉल्व करने की। तो थर्ड आ गया अपने को सिस्टम एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो जी ये फेस हों थर्ड फेस आ, ये मतलब जी अपने को सैकेंड फेज की आउटपुट से वही इनपुट बन जाती है बेटा। सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट प्रोसैस सॉफ्टवेयर ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इज न्यूज़ आर डिफाइंड, मतलब कि ये इट्स न्यूज़ आर डिफाइंड, मतलब जो भी टोटल ये डॉक्यूमेंट होंगे जो भी रिटर्न प्रोसैस होंगे वो सारा ये डिफाइन किया जाता। इन द टर्म ऑफ द क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी दे देखिए आप, नंबर ऑफ टायर्स नीडेड फॉर द पैकेज आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर बनाने के लिए आप बहुत सारिया मतलब प्रोसैस करनिया पैदा ने, स्टैप फॉलो करने पैदे ने। तो डाटाबेस डिजाइन है जो अपने को डाटा स्ट्रक्चर डिजाइन एक्सेट्रा आर ऑल डिफाइंड इन दिस फेस, मतलब डाटाबेस का जो डिजाइन हो गया या डाटा स्ट्रक्चर हो गया अपना डिजाइन का, वो सारे इस फेस के ही डिफाइन किए जाते हैं। अगे अगर अपने को जो सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट मॉडल है इज़ क्रिएटेड अ वेरी क्रियूकल, क्रियूकल हों बहुत इंपॉर्टेंट है इन द होल डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। मतलब तो क्रिएट करते हैं एनी ग्लिच ला लो, कोई भी ला लो डिजाइन के कोई भी प्रॉब्लम आ, तो कुड भी वेरी एक्सपेंसिव जो भी मतलब ये ग्लिच ग्लिच आप मतलब एक ढांचा तैयार कर दें किसी चीज़ का, ठीक है। तो एक्सपेंसिव होंगे टू सॉल्व इन द लेटर स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट, तो मच केयर इज टेकन ड्यूरिंग दिस। इस फेज के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जो रखना पैदा, जिमें रिक्वायरमेंट्स डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग,
ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਪਰਫੋਰਮ ਦਿਸ ਟਾਸਕ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਜ਼ ਪਰਫੋਰਮਡ ਇਨ ਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਨਰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੋਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਵਿਦਆਊਟ ਮੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਟੂਲ ਲਾਈਕ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਬਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਆਰ ਯੂਜ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪਾਈਪ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਵੰਸ ਦਾ ਕੋਡ ਇਜ ਜਨਰੇਟਡ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਿਗਿਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਵਗੈਰਾ ਫਾਇੰਡ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵੇਲੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਗਰੋ ਚੇਂਜ ਵੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਟੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਚੇਂਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ, ਚੇਂਜ ਕੁੱਡ ਹੈਪਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਅਨਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁੱਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਕੁੱਡ ਹੈਪਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀਆਂ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਓਪਰੇਟਿਡ ਓਪਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੂਟੇਬਲ, ਵੈਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਐਂਡ ਆਰ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਦਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਰਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੇਕ ਕਰਨਾ, ਲੈਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ